कुमार और रवीना टंडन की कंट्रोवर्सी और रिलेशन किसी से छुपा नहीं है। इन दोनों की जोड़ी 90 के दशक की सुपरहिट जोड़ियों में से एक थी। दोनों ने साथ साथ कई पॉपुलर फिल्मों में काम किया था, जिसमें मोहरा, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बारूद, कीमत जैसी फिल्में शामिल हैं। अब इन दोनों के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है, लगभग 20 साल के गैप के बाद ये सुपरहिट जोड़ी बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही है। अब किस फिल्म में दोनों नजर आने वाले हैं और कब होगी रिलीज, आपको सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वोकल न्यूज और मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा सागर। दरअसल अक्षय कुमार और रवीना टंडन अपकमिंग फिल्म वेलकम टू जंगल में साथ दिखाई देंगे। हाल ही में अक्षय कुमार ने इसके बारे में एक इंटरव्यू में खुलकर बात की है। अक्षय कुमार ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में बताया, हम लोग जल्द ही वेलकम टू जंगल मूवी की शूटिंग शुरू करेंगे। हम दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में दी हैं, मुझे फिल्म की शूटिंग का बेसब्री से इंतजार है। लंबे समय के बाद हम बड़े पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। आपको बता दें कि अक्षय कुमार और रवीना टंडन आखिरी बार साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म पुलिस फोर्स एंड इनसाइड स्टोरी में दिखाई दिए थे। बात करें वेलकम टू जंगल की, तो ये फिल्म मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर 2024 में रिलीज हो सकती है। अब हम सब जानते हैं कि 90 के दशक के सबसे चर्चित अफेयर्स की जब बात होती है तो अक्षय और रवीना टंडन का नाम तो जरूर ही आता है। दोनों ने एक दूसरे के साथ 90 के दशक की कई चर्चित फिल्मों में काम किया था। कहते हैं कि इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि दोनों ने सगाई तक कर ली थी। हालांकि इन दोनों की शादी हो पाती इससे पहले ही इनका ब्रेकअप हो गया। बाद में अक्षय कुमार ने साल 2001 में ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली। वहीं रवीना टंडन की शादी बिजनेसमैन अनिल थडानी से साल 2004 में हुई थी। वैसे क्या आप लोग इतने लंबे समय बाद इन दोनों को साथ देखने के लिए एक्साइटेड हैं? हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।